हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोज नंबर। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं, और एंड में हम इसकी एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। हम इसको डिफाइन करते हैं कि अमीनो एवोगैड्रोज नंबर होता क्या है। हाँ जी, the number of atoms, molecules and ions in one mole of substance is called एवोगैड्रोज नंबर। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया किसी भी एक मोल सब्सटेंस के अंदर, चाहे वो एटम से बना है, चाहे वो मॉलिक्यूल से बना है, चाहे वो आयन से बना है, एटम आयन और मॉलिक्यूल की जो तादाद होती है उस तादाद को हम नाम देते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हो गया? इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल की टोटल तादाद होती है उस तादाद को हम नाम देते हैं एवोगैड्रोज नंबर। क्लियर हो गया? हम इसकी तीसरी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, The number of atoms, molecule and ions in 1 gram atom of element, 1 gram molecule of compound एंड 1 gram आइन्स ऑफ आयोनिक सीपीसी या एनएक्सीपीसी की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। क्या बताया मैंने? मैंने कहा 1 gram एटम ऑफ एलिमेंट में, 1 gram मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर, 1 gram आइन्स ऑफ एनएक्सीपीसीज के अंदर या सब्सटेंस के अंदर, एटमों की तादाद, मॉलिक्यूल की तादाद या आइंस की तादाद रिस्पेक्टिवली जो होती है उसे हम नाम देते हैं एवोगैड्रोज नंबर। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। हाँ जी, आगे हम देखते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन एवोगैड्रोज नंबर को इंडिकेट किया जाता है NA से। N भी कैपिटल होता है, A भी कैपिटल होता है। और अगर हम इसको इस तरह लिख दें ये गलत होता है। A जो होता है थोड़ा सा नीचे करके लिखा जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं एवोगैड्रोज नंबर, NA से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, हम तो ये कह रहे हैं कि पार्टिकल की तादाद है, किसी एक मोल में पार्टिकल की तादाद को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। लेकिन एवोगैड्रो नंबर की तादाद कितना है, यानी पार्टिकल की तादाद कितना है, क्या नंबर है भाई, इसमें कौन सा डिजिट है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कह रहे हैं? अब ये डिजिट है हमारे पास 6.02 × 10^23 पार्टिकल। इस पार्टिकल की तादाद को हम नाम देते हैं एवोगैड्रो नंबर, और ये इक्वल होता है NA के। और किसी भी चीज़ का एक मोल जब हम लेंगे, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेंगे, उसमें इतने पार्टिकल होंगे, चाहे उसका वॉल्यूम कुछ भी हो या उसके अंदर मैस उसका कुछ भी हो। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया, इंट्रोड्यूस किसने कराया
साइंसदान है, इटालियन स्कॉलर है, नाम है इसका अमीडो एवोगैड्रोस, अमीडो एवोगैड्रोस। सबसे पहले इस नंबर को इसने डिड्यूस कराया, अमीडो एवोगैड्रोस ने, और इसी के नाम के ऊपर इस नंबर का नाम रखा गया एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। अच्छा, अब हम एग्जांपल देखते हैं कि पार्टिकल की तादाद कितना होती है, मिसालें देखते हैं इसकी हम लोग डिफरेंट। एग्जांपल, अब देखिए हमारे पास सोडियम, सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23 ग्राम और ये होता है 1 मोल, और इस एक मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 पार्टिकल्स। इसी तरह अगर आप लोग ऑक्सीजन देख लें, O2 मॉलिक्यूल है और इसका जो मास बनता है वो है 32 ग्राम और ये भी 1 मोल है, और एक मोल में पार्टिकल सेम होते हैं 23 पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। अच्छा देखें, एक चीज़ है उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैंने यहाँ लिखा है सोडियम का मास 23 ग्राम, बाद अवकात इस तरह लिखा होता है सोडियम 23 AMU, और दूसरा मास जो भी मैं लिख रहा हूँ वो है 23 ग्राम, इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो 23 AMU है वो एक एटम का मास है, सोडियम के एक एटम का मास है 23 AMU, लेकिन सोडियम के एक मोल का मास है 23 ग्राम। यहाँ पे हम 1 मोल लिखते हैं, यहाँ 1 मोल नहीं लिख सकते हम, समझ आ गई? यानी ये एक एटम का है, ये 1 मोल एटम का है। आप लोगों को पता है एक मोल के अंदर कितने एटम होंगे भी, 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 पार्टिकल या एटम। अब इतने एटम का मास 23 ग्राम है, लेकिन ये सिर्फ एक एटम का मास है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। अच्छा एक और मिसाल लेते हैं हम लोग, वाटर, वाटर, वाटर का जो मास है वो है 18 ग्राम और ये किसके बराबर आता है जी, 1 मोल के, और पार्टिकल कितने होंगे, पार्टिकल सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किसी भी चीज़ का, सबस्टांस के पार्ट्स का, एटम है, मॉलिक्यूल हैं, आइंस हैं, उनमें मास तो डिफरेंट होता है, लेकिन वो सारे के सारे जो एक मोल के बराबर हों वो पार्टिकल सेम रखते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, हम इस पार्टिकल की तादाद मालूम कैसे कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की तादाद यानी किसी भी चीज़ में, एलिमेंट में एटमों की तादाद कैसे मालूम कर सकते हैं, तो इसको मालूम करने का भी फार्मूला है, हम देखते हैं कि किस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट में एटमों की तादाद, किसी भी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल की तादाद, किसी भी आयोनिक स्पीशीज के अंदर आयन की तादाद कैसे मालूम कर सकते हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट कैसे मालूम करेंगे जी, नाउन मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। समझ आ गई? इसको हम कॉमनली नाउन मास ऑफ एलिमेंट, गिवन मास ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। ये इक्वल होता है मोल के, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस पार्टिकल, यानी किसी भी चीज़ के पार्टिकल की तादाद फाइंड करनी हो उसके मोल्स को एवोगैड्रोस पार्टिकल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा देखें, अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फाइंड करना है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो हम क्या लिखेंगे यहां जी, नाउन मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस पार्टिकल। इस फार्मूले के जरिए हम किसी भी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल की तादाद फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस की तादाद कैसे फाइंड कर सकते हैं, नाउन मास ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय
आयोनिक मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस पार्टिकल। आयोनिक मैस की जगह पे हम फार्मूला यूनिट मैस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म यूज़ करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास है आज का टॉपिक, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले लेक्चर डिस्कस करेंगे।